हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके लिए, यानी कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर। करेंटली हम ये देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रीडिंग जनरल है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है वो सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, ठीक है, और मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। इस चीज़ के लिए भी आपको अवेयर करना चाहूंगी, कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के, मेरे नाम से फेक आईडी बना के, ड्रीम टैरो का प्रोफाइल फोटो कॉपी करके, फेक आईडी से आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल या कोई व्हाट्सएप नंबर देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं क्रश की करंट फीलिंग्स पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। लेट स्टार्ट। ओके, सेवन ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड सेवन ऑफ कप्स का आया है। नाइट ऑफ वैंड्स, आपके क्रश की फीलिंग्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट बैड। ओके, एनर्जी ऑफ डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आई होप सभी कार्ड्स आपको विजिबल हो, तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। तो आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स हैं व्यूअर्स? देखिए, पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि आपके क्रश जो हैं वो, देखिए यहाँ पर प्यार तो मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा है, अनकंडीशनल लव कहूँ या सिर्फ लव कहूँ तो मुझे प्यार इतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अट्रैक्शन और पैशन नज़र आ रहा है, लाइक सेक्सुअल एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट, एक इंटेंसिटी, एक केमिस्ट्री नज़र आ रही है, और ये आउट ऑफ लव नहीं नज़र आ रहा है, आउट ऑफ अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, बट दैट्स नॉट दैट बैड, यानी कि इतना बुरा भी नहीं है। ओके, यस, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके क्रश भी आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो डे ड्रीमिंग को दर्शाता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही उनमें इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो भी आप में इंटरेस्टेड है, इक्वली इंटरेस्टेड हैं वो आप में, ऐसा लगता है, इसीलिए आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने फैंटेसी वर्ल्ड में हो सकते हैं ये, यानी कि आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, आप उनके साथ हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ये हो रहा है, ऐसा ये इमेजिन करते हैं, और डे ड्रीमिंग कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है, या जैसी भी है, वो वही चीज़ अट्रैक्ट करती है या मैनिफेस्ट करती है। तो अगर ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं आपको, तो ये आपको अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे इन्हें खुद भी ना पता हो, और आपको इस चीज़ का लेकिन एहसास ज़रूर होता होगा, आपको ये चीज़ ज़रूर महसूस होती होगी कि आप इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन ये डे ड्रीमिंग आउट ऑफ लव नहीं हो रही है, मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, प्यार से नहीं आ रही है ये रीडिंग, के बहुत प्यार है इसीलिए आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, प्यार से नहीं, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से, जैसे आप दिखते हैं काफ़ी हॉट और आपके लुक्स जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं उनको, तो उस वजह से वो आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। यस, यहाँ व्यूअर्स मुझे ये भी लगता है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड भी अनकंट्रोलेबल पैशन शो कर रहा है, तो आपके जो क्रश हैं व्यूअर्स ना कि सिर्फ आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ऐसा लगता है
कि एक अनकंट्रोलेबल पैशन फील कर रहे हैं, जो लिटरली बस उन्हें ज़बरदस्ती कंट्रोल करना पड़ता है खुद को, कि वो सच में आपको कुछ बोल ना दें, सच में आपको कुछ एक्सप्रेस ना करें, शो ना करें, ऐसा उन्हें सच में कंट्रोल करना पड़ता है। वरना यहाँ पर अट्रैक्शन, पैशन और फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। इवन मैं रेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ कि रेड का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। रेड भी एक तरीके की केमिस्ट्री को, इंटेंसिटी को, अट्रैक्शन को दर्शाता है। ओके, तो कुछ यहाँ पर काफ़ी ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से क्या बोलते हैं कि बराबर है ये सिचुएशन। मुझे नहीं लगता कि आप भी इनसे अभी बहुत ज़्यादा प्यार में हैं। ये आपका आपके लिए भी एक अट्रैक्शन हो सकता है, ये आपके लिए भी एक एक पैशन, एक पैशन की बात हो सकती है, या अट्रैक्शन की बात हो सकती है, या आप इनके लुक्स पर फिदा हो चुके हैं। दे लुक वेरी गुड टू यू, आपको ये बहुत गुड लुकिंग लगते हैं या लगती हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लव नज़र नहीं आ रहा है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके या बट अगर आपको 555 दिखता है, मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, अगर आपको 555 दिखता है या एंजल नंबर है 555, अगर आपको नज़र आता है 555 333, तो आप ये एंजल नंबर्स का मीनिंग गूगल पर चेक कीजिए, और जो भी मैसेज गाइडेंस आपको मिलता है उसे रिसीव कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज था। ओके, तो अनकंट्रोलेबल पैशन करेंटली आपके लिए फील कर रहे हैं। लिटरली ऐसा भी होता होगा कई बार आपको अप्रोच करने का, सामने से मैसेज करने का, या कुछ फर्स्ट स्टेप लेने का, अटेम्प्ट लेने का ट्राई करते तो होंगे, बट दे जस्ट रेजिस्ट। ओके, देमसेल्व्स, यानी खुद को रोकने की कोशिश करते हैं और रोक भी लेते हैं एट दी एंड, क्योंकि ऐसा लगता है कि खुद को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है, ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, जबकि मन नहीं चाहता कि ये आपसे दूर रहें। तो इस तरीके की इंटेंसिटी इन्हें आपके साथ फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, विच मेक्स मी फील के व्यूअर्स, ये इस वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं। जो भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, शेप एंड साइज है, जो भी फीचर्स हैं आपके बॉडी के, वो काफ़ी मैं कहूँगी कि अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी मैं कहूँगी कि हॉट है, ऐसा कुछ, हॉट एंड सेक्सी एंड अट्रैक्टिव बॉडी यू हैव, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और अगर ये सिर्फ बॉडी को लेकर भी नहीं है, तो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, यू लुक वेरी चार्मिंग टू देम, आप उन्हें काफ़ी चार्मिंग लगते हो, ऐसा लगता है जैसे एक किंग एंड क्वीन की तरह काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो, काफ़ी पावरफुल भी लग रहे हो। विद दैट यहाँ पर ऐसा भी लगता है आपके क्रश को कि आपसे बात होगी तो क्या कमाल की बात होगी, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। उन्होंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है, सुना है, समझा है, किसी भी तरह से उन्हें लगता है ऐसा कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं आप, और आपके अंदर खुद को कैरी करने का भी कॉन्फिडेंस बहुत है। कुछ लोग होते हैं जो लोअर टी शर्ट पहनकर मार्केट नहीं जा सकते, और कुछ लोग अब्रॉड भी चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस की बात है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके क्रश आपके कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंट ऑरा है, उसकी तरफ भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपने आप को रखा हुआ है, मेंटेन करके या कैरी करके, जैसे भी रखा है, दे आर जस्ट लाइकिंग इट अलॉट, उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। और जब इसमें आपका कॉन्फिडेंस और आपका ये जो पर्सनालिटी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी, जब ये जुड़ जाता है, तो ये आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हो जिसके साथ हर कोई होना चाहेगा, जिसको हर कोई अपना बनाना चाहेगा। लेकिन यहाँ लाइफ पार्टनर की बात नहीं हो रही है, हर कोई अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा ये नहीं, बट ऐसे कूल, कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव इंसान को आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसको आप अपने साथ रखना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो यही वो आपकी ब्यूटी से, आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं करेंटली, ऐसा मालूम होता है। साथ ही साथ व्यूअर्स, उनको पॉजिटिविटी भी बहुत फील होती है आपसे। देखिए, ये ऐसा कनेक्शन लग रहा है, जो भी आपके क्रश हैं, इन्होंने आपसे इंटरेक्ट तो किया है, आप लोगों की बातें तो हुई हैं, लेकिन अभी इनको हल्की हल्की ये बात पता है, यानी कि थोड़ी बहुत हिंट है इनको कि आप इन्हें पसंद करते हैं, आप इन्हें लाइक करते हैं, इसका इनको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन इनको एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता। तो किसी दिन ये सोचते होंगे, कभी कभी ये सोचते होंगे कि आप व्यूअर्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं, आप इन्हें लाइक करते हैं, फिर अगले ही पल आप ऐसा बिहेव करते होंगे, तो इन्हें लगता होगा कि नहीं, वो इनका इल्यूजन था, इनका भ्रम था, ये बस ऐसा सोच रहे थे, आप सच में इन्हें लाइक नहीं करते। तो अभी ये कन्फ्यूज़ हैं,
अभी ये किसी क्लैरिटी पर या कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि आप इन्हें सच में पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन इनकी तरफ से दिख रहा है कि ये काफी अट्रैक्टिव है। ऐसा लगता है कि आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं। आई डू नॉट नो दे चुके हैं या देना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है प्रेजेंट्स, सरप्राइज, गिफ्ट्स कुछ देना चाहते हैं आपको। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ ट्रैवल चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, टू नो यू बेटर। वो आपको अच्छे से जानने के लिए, आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो किसी पीसफुल जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप हों। और कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं पता है कि आप भी जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा कल्पना कर लेते हैं कि आपको यू नो किडनैप करके, पकड़ के यू नो कहीं ले जाएं दूर। और ये पकड़ना, किडनैप करना, ये वैसा नहीं है नेगेटिव, लाइक क्यूटली रोमांटिक वे में जब हम कहते हैं कि ये इंसान इतना प्यारा है कि मन करता है इसको बस कहीं छुपा लो और कहीं ले जाओ, उस वे में ये सोचते हैं ऐसा कि अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहो या ना करना चाहो क्या पता, तो जी तो करता है, इच्छा तो ऐसी होती है कि वो आपको पकड़ के कहीं छुपा के कहीं दूर ले जाएं आउट ऑफ स्टेशन और वहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड करें, यू नो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतना इजीली कन्विंस नहीं होगे, तो आपको उठा के ले जाना पड़ेगा इन अ रोमांटिक वे। वो सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, क्यूटली, नथिंग रॉन्ग हेयर, कुछ नेगेटिव नहीं है। ओके, या व्यूअर्स, आपके पर्सन भी काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। एनर्जी ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये आपको स्टेबिलिटी तो ऑफर कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन उस चीज को लेके अभी भी ये क्लियर नहीं है, लाइक अभी स्टेबिलिटी तक नहीं सोचा है, ये समझ लीजिए आप। ओके, आपके क्रश के नाम में या आपके नाम में व्यूअर्स MNKRJHGYVSH, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। इवन ए ऑल्सो, ए या डबल ए, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज। चलिए मैं इस डेक से क्लैरिफाई करती हूँ। अप्रिशिएट दिस मोमेंट। आज मैं इस डेक से सिर्फ 3 कार्ड्स लूंगी। दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट, गेट टू नो ईच अदर। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डीप करने के लिए, आपको बेहतर जानने के लिए वो आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, टू नो यू मोर। और यहाँ पर कार्ड में मैसेज भी यही आया है, गेट टू नो ईच अदर, और वो भी यू नो कहीं किसी और जगह जाके, यू नो लाइक आउट ऑफ योर ओन सिटी। They want to travel with you. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था और क्या मैसेज आया है। जस्ट सी दिस कार्ड इफ इट इज विजिबल। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। गिफ्ट्स लिखा है, आप यहां देख सकते होंगे, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो गिफ्ट का मतलब क्या है? मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, कोई उपहार, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। और यहाँ मैसेज भी आ गया, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट। और देख लीजिए यहाँ पर ये पर्सन इन्हें गिफ्ट भी दे रहे हैं, ये मोती है, पर्ल है जो इन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी अभी फील की थी कि ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और ये कार्ड्स में भी आ गई है। वेल, दैट्स ब्यूटिफुल। मैं कोई रीडिंग करूं और कैमरा मेरे हाथ से ना हिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। Impossible. Forgive me for that. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। ये दोनों कार्ड्स वही आए हैं जो मैंने आपसे अभी कहा था। Getting to know each other, यानी कि कहीं मैंने कहा था कि आपको बेहतर जानना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको अच्छे से जानने के लिए, आपके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहीं जाना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ आ चुकी है, गेटिंग टू नो ईच अदर। चलिए इस कार्ड से स्टार्ट करते हैं। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, ईच एंड एवरी सिचुएशन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। यानी कि ये जो आपकी सिचुएशन है, चाहे क्रश वाली सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें इस सिचुएशन में भी स्कोप है लव फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ पर फाइंडिंग लव की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि इस सिचुएशन में मुझे इतना लव नज़र नहीं आ रहा है, इतना प्यार, अनकंडीशनल एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो, प्यार और मोहब्बत और इश्क, ये सब यहाँ नहीं नज़र आ रहा है।
मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था यहाँ अट्रैक्शन और इंटेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ योर लुक्स गाइस. अगर आप अच्छे दिखते हैं तो ये एक फैक्टर बन जाता है अट्रैक्ट होने का. तो यहाँ पर फाइंडिंग लव की बात हो रही है, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी में, इस सिचुएशन में स्कोप है प्यार ढूंढने का. यहाँ पर प्यार इवॉल्व हो सकता है, जनरेट हो सकता है, ग्रो कर सकता है. तो यहाँ पर स्कोप है, यू नो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इस चीज़ की. तो इस मोमेंट को आप वेस्ट मत कीजिए ये सोच के. सॉरी, गिव मी अ मोमेंट. ओके व्यूअर्स, तो इस मोमेंट को आप वेस्ट मत कीजिए ये सोच के कि सिर्फ अट्रैक्शन है, मतलब कुछ नहीं हो सकता आगे. नहीं, इस सिचुएशन में बहुत आगे स्कोप है कि ये चीज़ सीरियस हो सकती है आगे जाके, ये रिश्ता सीरियस हो सकता है. ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, वो आपको जानना चाहते हैं. मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था आपको बेहतर जानना चाहते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपका पास्ट, आपके फ्यूचर प्लान्स. दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. या और आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, गिविंग अ स्मॉल टोकन टू समवन टू एक्सप्रेस योर लव टू देम. गिविंग अ स्मॉल टोकन टू समवन एक्सप्रेसेस योर लव टू देम. व्यूअर्स, अपना जो भी उनका इमोशन है या जो भी है, वो आपको गिफ्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं. बट इट्स अगेन, इट्स नॉट लव. ओके, इट्स नॉट लव टिल नाउ. ओके, ये पर्सन व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ज़्यादा अटैचमेंट्स रखते नहीं हैं. थोड़े निर्मोही निर्मोही वर्ड मुझे बार बार चैनल हो रहा है, जबकि मैं इस वर्ड का ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करती हूँ रीडिंग्स में. निर्मोही, निर्मोही यानी कि जो मोह ना रखे, किसी का मोह ना रखे, किसी रिश्ते का, किसी पर्सन का, किसी चीज़ का, यू नो किसी का मोह ना रखे. तो ये ऐसे पर्सन हैं जो थोड़े निर्मोही टाइप के हैं. ये अटैचमेंट नहीं रखते, इन्वॉल्वमेंट रखते हैं. यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट. यू कैन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एज मच एज यू वॉन्ट, एज मच एज इट इज रिक्वायर्ड, बट टू गेट अटैच्ड, नो इट्स नॉट दैट स्मूद. यानी कि वो अटैच नहीं होते हैं ज़्यादा, होते होंगे ओके, बट नॉट दैट मच. दे आर इन्वॉल्वड, they are involved. Involved in verbs, not in nouns. ये मुझे channel हो रहा है. That's a sentence जो मुझे channel हो रहा है. I do not know how it makes sense, but of course it is making sense. But like involvement and attachment. Involved in verbs, verb यानी क्रिया. Involved in verbs. But not in nouns, which means they are detached from nouns. You know nouns, name, place, thing, stuff, things like that. So this is what I'm getting. Interesting. Yeah. ये पर्सन मुझे बहुत एम्बिशियस भी लगते हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, एम्बिशियस बहुत लगते हैं. दे हैव अ गुड फैशन सेंस, उनका फैशन सेंस भी अच्छा हो सकता है. पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स, आपके लिए येलो फ्लावर्स अच्छे हैं, चाहे मैरी गोल्ड फ्लावर्स हों या सनफ्लावर हो, बट येलो फ्लावर इज गुड फॉर यू. इवन येलो कलर इज गुड फॉर यू दीज डेज. ओके, येलो. या मैं इसीलिए भी शांत हूं क्योंकि ऐसा लगता है बहुत कुछ चैनल हो रहा है अभी यहां पर. इवन इफ दे विल स्टार्ट लविंग यू, मैंने यहां पर कहा था ना, सिचुएशन में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पर आगे सीरियस हो सकती हैं चीजें, प्यार हो सकता है. स्टिल मैं कहूंगी कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड पर्सन नहीं है. देर इज, आप सोचेंगे कि अगर प्यार हो सकता है तो फिर तो अटैचमेंट हो ही जाएगी. नो, देर इज स्टिल अ डिफरेंस. ओके, बहुत सारी चीज़ों को हमें मिक्सअप करके नहीं देखना है. प्यार अलग है और अटैचमेंट अलग है. अटैचमेंट भी अलग है और इन्वॉल्वमेंट भी अलग है, और इन्वॉल्वमेंट और प्यार भी एक नहीं है. तो यहाँ पर अगर ये आपसे प्यार भी करने लगते हैं,
दे आर स्टिल ओके टू लेट यू गो. यू नो वॉट आई एम ट्राइंग टू से, इवन इफ दे स्टार्ट लविंग यू, दे आर फाइन विद लेटिंग यू गो. अगर ये आपसे प्यार भी करने लगते हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको लेट गो ना कर पाएं कभी, यानी कि यू नो ये आपको फ्री ना कर पाएं कभी, या आपसे फ्री ना हो पाएं कभी, तो भी ऐसा नहीं होगा. देयर लव इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, देयर लव इज़ ऑल अबाउट यू नो लविंग समवन विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, समथिंग लाइक दैट. तो ये फिर भी निर्मोह ही रहेंगे, अगर प्यार भी होगा तो भी निर्मोह ही रहेंगे. आपको लगता होगा कि ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए सैड है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ये इस प्रकार के ही पर्सन हैं, तो मैं कहूँगी अगर ये इस प्रकार के पर्सन सच में हैं व्यूअर्स जो हम बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, तो निर्मोही होना बुरी बात नहीं है. इट इज़ अ गुड क्वालिटी दैट वी ऑल शुड हैव. ओके, तो ये बुरा मानने की बात नहीं है. अगर वो निर्मोही है तो ये अच्छी बात है. अटैचमेंट नहीं रखना अच्छी बात है, बिना किसी अटैचमेंट के भी किसी से प्यार करना. तो अटैचमेंट्स लाइक यू नो बंधन बंधना, रिस्ट्रिक्शंस हो जाना, यू नो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाना, नॉट लाइक स्पिरिचुअल लेवल, बट यू नो एक संबंधों को एक ढांचे की तरह यूज़ करना जो किसी चीज़ की फाउंडेशन बनते हैं, यू नो तो वो नहीं करते वो यहाँ पे, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा लगता है. यस, मैं एग्जाम्पल सोच रही हूँ कि मैं आपको किसका एग्जाम्पल देके, किस सिचुएशन का एग्जाम्पल देके आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये आपके लिए कंफ्यूजिंग रहा तो फिर फायदा नहीं हो पाएगा इस बात का. एक मैसेज चैनल हो रहा है उससे शायद आप समझ पाएं. दे विल लव यू इनफ टू लेट यू गो. यू गेट माई पॉइंट? दे विल लव यू इनफ टू लेट यू गो. या आपसे इतना प्यार करेंगे कि ये आपको आसानी से जाने भी देंगे. यू नो इट्स लाइक दैट, दे लव यू इनफ टू लेट यू गो. आई डू नॉट नो मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों चैनल हो रहे हैं इस रीडिंग के लिए, बट दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, आई थिंक. ओके, या चलिए यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइड करते हैं आपको. लेट्स सी. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. बी असर्टिव व्यूअर्स, पॉजिटिव होना पड़ेगा आपको. आप इस कनेक्शन के लिए शुरू से ही नेगेटिव मत सोचिएगा, बिकॉज कोई बोल रहा था कि ये अच्छे नहीं हैं, बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बिकॉज आपको उनकी बात अभी समझ में नहीं आई है. इन छोटे मोटे कारणों की वजह से आप उन्हें जज मत कर लीजिएगा पहले से ही. गिव देम सम टाइम टू शो देयर रियल साइड. ओके, या तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही है. इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, अगर किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. ओके, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. अपने एक्सपीरियंसेस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अगर दूसरे लोग आपका कमेंट पढ़ते हैं और उन्हें आपके एक्सपीरियंस से आपके यू नो जीवन का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे प्यार में या किसी और सिचुएशन में, अगर वो लोग उसे पढ़ते हैं तो उन्हें उस चीज़ से कोई आइडिया मिल सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकती है. क्योंकि कई बार मैं अपना बता रही हूँ आपको जो रियल में ऐसा हुआ है कि कभी कभी मैं किसी चीज़ को लेकर अगर कन्फ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ ब्लैंक सा हो गया है मेरा माइंड, तो कभी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, तो आप लोगों में से किसी ने कोई ऐसा कमेंट किया होता है जिसमें मुझे मेरा आंसर मिल जाता है कि राइट, ये है सिचुएशन और ये है इसका सल्यूशन. तो हमें नहीं पता कि हमारी ये एक्सपीरियंसेस कब किसके काम आ जाएं. आप चाणक्य जी को जानते हैं? चाणक्य जी को कौन नहीं जानता होगा. ये ना चाणक्य नीति आपने पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, ठीक है? तो उसमें उन्होंने कहा है कि खुद गलती करके सीखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, दूसरों की गलतियों को देखकर सीखें.
यानी कि जो मिस्टेक सामने वाले ने की है आप उसी से लेसन लेके, उसी से एक सबक सीख के अपनी लाइफ में गलतियां मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम पहले खुद गलती करेंगे, फिर उस गलती को करके उस गलती से सीखेंगे और फिर आगे जाके अपनी चीज़ों में लाइफ में यू नो ठीक करेंगे लाइफ को, फिर अपने लाइफ के डिसीजंस को करेक्ट करेंगे, तो व्यूअर्स ये सब करने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। यानी कि आजकल यू नो ड्यूरेशन क्या है हमारी लाइफ का, कुछ भी नहीं है ड्यूरेशन। इवन अब तो लोग, पहले तो लोग 100 तक लोग जिंदा भी होते थे, लेकिन अब क्या लोग 80, 85, 70, 90, ये रेयर हो रहा है, क्योंकि हम यू नो हम इतनी स्ट्रांग जनरेशन नहीं है, यू नो एज अ ह्यूमन इतनी स्ट्रांग जनरेशन अब हम नहीं है। तो हमारे पास ड्यूरेशन कितना है, यही थोड़े से 80-90 साल हैं, उसमें भी हम यू नो 20 साल या 18-19 साल तक तो वही लाइफ एंजॉय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यू नो सीरियसली नहीं लेते, फिर करियर और प्यार में भी पड़ जाते हैं, उसके बाद भी हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, फिर उसके बाद जब उन मिस्टेक्स से सीखते हैं तो आधी उम्र भी जा चुकी होती है। ठीक है, तो हम खुद गलती करें फिर उससे सीखें, इसके लिए उम्र कम पड़ जाती है हमारी। इसीलिए फटाफट दूसरों की गलतियों को देखो, उससे सीख लो और आगे वो मिस्टेक्स अपनी लाइफ में रिपीट ना करो, इस बात का ध्यान रखो। ओके या तो इसीलिए आप कमेंट करेंगे तो दूसरों को भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ भी हेल्प हो सकती है, वी नेवर नो। जैसे मेरी रीडिंग्स आप लोगों तक कभी भी पहुँची हों, जब भी आप देख रहे हैं ये तब आपको गाइड करती हैं, तभी आपके लिए मैसेज होता है। ऐसे ही जब भी आपका कमेंट कभी भी किसी तक पहुँचेगा, कोई पढ़ रहा होगा उसको ऐसे ही रैंडमली, तो क्या पता उसकी कोई हेल्प हो जाए, वी नेवर नो। ओके सो तो इसीलिए मैंने कहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, आपने मेरे वीडियो को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो रिलेटेबल रहा हो, हेल्पफुल रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा बस। ओके तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।